हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ रहे थे। कुछ ही हम पढ़ पाए थे, लेकिन आज और पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उनका खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से है? ए फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, ये प पे मात्रा लगी हुई है, प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर, या डी प्रेम माधुरी। मतलब किस नाम से प्रसिद्ध है? किससे है? फूलों का गुच्छा। मतलब भारतेंदु युग का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या दो, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा नहीं है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी प्रताप नारायण, या डी श्रीनिवास दास। कौन सा नहीं है बताइए? बाल मुकुंद गुप्त नहीं है ये, बाकी सभी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, ये सभी भारतेंदु युग के क्या हैं? निबंधकार हैं। कौन नहीं है इसमें? बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या तीन, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिओद, सी श्री विद्यानिवास मिश्र, डी राय कृष्णदास। ठीक है, तो कौन से हैं इसमें जो भारतेंदु युगीन लेखक हैं? कौन है इसमें? कौन है इसमें? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युगीन लेखक हैं। ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक, बाकी ये भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। प्रश्न संख्या चार, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, मतलब किस सन में दिया था, यहाँ पर ये पूछा गया है। ए 1880 ईस्वी में, बी 1874 ईस्वी में, या सी 1884 ईस्वी में, या डी 1882 ईस्वी में। किस में, मतलब भारतेंदु थे जो, उन्होंने अपना बलिया वाला व्याख्यान, ऐतिहासिक व्याख्यान था ये, कब दिया था? 1884 ईस्वी में ये इन्होंने व्याख्यान दिया था। इससे संबंधित थोड़ा सा तथ्य हम देख लेते हैं, क्या था ये, ये ददरी मेले का ऐतिहासिक महत्व होता था इसमें। ठीक है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ क्या किया था, ददरी मेले में व्याख्यान दिया था, बलिया व्याख्यान। ठीक है, इसको बलिया का भाषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलिया का भाषण। ठीक, और यही व्याख्यान भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यही व्याख्यान जो इनका बलिया वाला व्याख्यान है, यही व्याख्यान इनका भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है नामक शीर्षक से हरिश्चंद्र जो इनकी वो है हरिश्चंद्र चंद्रिका में 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हमारा चार का उत्तर है सी, मतलब कि इन्होंने बलिया वाला व्याख्यान के नाम से ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। ठीक है, जो भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नामक शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इनका बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान। ठीक है, ये ददरी मेले का आयोजन होता है उससे संबंधित है। प्रश्न संख्या पाँच, भारतेंदु युग के नाटककार हैं कौन है, मतलब कि जो भारतेंदु युग के नाटककार हैं वे कौन है? ए श्रीनिवास दास, बी प्रसाद, सी हरकृष्ण प्रेमी, या डी वृंदावन लाल वर्मा। कौन है भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से? कौन है? श्रीनिवास दास ही भारतेंदु युग के नाटककार हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या छः, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग को किस नाम से संबोधित किया है? जो गणपति चंद्र गुप्त हैं इन्होंने भारतेंदु युग को किस नाम से संबोधित किया? ए मुक्तक परंपरा काव्य, बी भारतेंदु युग, सी श्रृंगार काव्य, या डी आधुनिक युग। किस नाम से संबोधित किया है? किससे? मुक्तक परंपरा काव्य के नाम से संबोधित किया है भारतेंदु युग को किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। प्रश्न संख्या सात, उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम कवि, मतलब उत्तर भारत में कहाँ पर? उत्तर भारत की तरफ खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? ए श्रीनिवास दास, बी मुल्ला वजही, सी गंग भाट कवि, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? गंग भाट कवि हैं ये। ठीक है,
इनका जो समय माना जाता है 17वीं शताब्दी माना जाता है, 17वीं शताब्दी के कवि हैं ये, ठीक है। उत्तर भारत में खड़ी बोली को हमने साहित्य का प्रथम माध्यम बनाने वाले, मतलब माध्यम बनाने वाले प्रथम कवि हैं ये। प्रश्न संख्या 8, चंद छंद वर्णन की महिमा की महिमा रचना है किसकी है इनमें से, चंद छंद वर्णन की महिमा, ए अमीर खुसरो, बी प्रसाद, सी जायसी या डी गंगभाट, किसकी है, गंगभाट कवि की है ये, ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक। प्रश्न संख्या 9, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का स्थापना वर्ष है, ए 1800 ईस्वी, बी 1803 ईस्वी, सी 1801 ईस्वी या डी 1806 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज है, इसकी स्थापना का वर्ष कौन सा है, 1800 ईस्वी है, ठीक। प्रश्न संख्या 10, फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, ए सदल मिश्र, बी मुंशी सदा सुखलाल, सी लल्लूलाल या डी हरिश्चंद्र, मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वे, या सदा सुखलाल, लल्लूलाल जी, सदल मिश्र, इनमें से कौन नहीं है बताइए। मुंशी सदा सुखलाल जी नहीं है, कौन नहीं है, हरिश्चंद्र नहीं है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित, ठीक है। बाकी सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, लल्लूलाल ये तीनों संबंधित हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, सुख सागर के रचनाकार हैं कौन, ए इंशाला खां, बी लल्लूलाल, सी सदा सुखलाल या डी सदल मिश्र, कौन है सुख सागर के रचनाकार, कौन है, सदा सुखलाल, ठीक है। सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है, ठीक है, सदा सुखलाल जी की रचना है। प्रश्न संख्या 12 देखें, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन स्थान है, ए काशी, बी कलकत्ता, सी दिल्ली, डी इलाहाबाद। कवि वचन सुधा का प्रकाशन स्थान क्या है, काशी, काशी से प्रकाशित होती थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है, ठीक है। संख्या 13, भारतेंदु की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है भारतेंदु की रचना, ए कपूर मंजरी, बी साहित्य हरिश्चंद्र, सॉरी सत्य हरिश्चंद्र, सी भारत जननी, डी भारत बधाई। इसमें जो भारतेंदु की रचना नहीं है कौन सी नहीं है, ए कपूर मंजरी नहीं है, बी सत्य हरिश्चंद्र, सी भारत जननी या डी भारत बधाई, ये नहीं है, ठीक है। भारत बधाई ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 14, आनंद अरुणोदय के रचनाकार हैं, आनंद अरुणोदय के रचनाकार हैं कौन है, ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रेमघन, सी श्रीनिवास दास या सी सॉरी डी हरिश्चंद्र, कौन है, प्रेमघन है। ये आनंद अरुणोदय किसकी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन की रचना है। प्रश्न संख्या 15, नागरी नीरद पत्र का प्रकाशन वर्ष है, नागरी नीरद पत्र है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा प्रकाशित किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था, ए 1893 ईस्वी, बी 1899 ईस्वी, सी 1894 ईस्वी या डी 1899 ईस्वी। कब किया गया था, 1899 में, 94 में, 1809 या 1893 में, कब किया गया था ये, 1893 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से प्रताप नारायण मिश्र की रचना नहीं है, कौन सी नहीं, ए प्रेम पुष्पावली, बी सूर्य स्रोत, सी दंगल खंड या डी श्रृंगार विलास, कौन सी नहीं है, प्रताप नारायण जी की रचना कौन सी नहीं है, इसमें कौन सी नहीं है, सूर्य स्रोत नहीं है, ठीक है। बाकी प्रेम पुष्पावली, सी दंगल खंड, ठीक है, या डी श्रृंगार विलास, ये सभी तीनों किसकी रचनाएं हैं, प्रताप नारायण जी की रचनाएं हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, पावस पचासा किसकी रचना है, पावस पचासा, ए भारतेंदु, बी बालकृष्ण भट्ट, ये बालकृष्ण भट्ट जी हैं इनका नाम, ठीक है। प्रश्न सी प्रताप नारायण मिश्र या डी अंबिका दत्त व्यास, किसकी है पावस पचासा, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, ए कलीराज की सभा, बी शिवराज विजयम, सी बाल विवाह या डी नूतन ब्रह्मचारी, कौन सी नहीं है इसमें बताइए, कौन सी नहीं है, शिवराज विजयम नहीं है, ये अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है शिवराज विजयम। प्रश्न संख्या 19, शिव शंभु के चिट्ठे के रचनाकार है कौन है, ए बाल मुकुंद गुप्त, बी प्रताप नारायण मिश्र या सी अंबिका दत्त व्यास या डी बाबू तोताराम, कौन है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभु के चिट्ठे। प्रश्न संख्या 20, सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं, ए सदल मिश्र, बी लल्लूलाल, सी सदा सुखलाल या डी नवनीत चतुर्वेदी, कौन है इसके, सिंहासन बत्तीसी के जो रचनाकार हैं कौन है,
लल्लू लाल जी। ठीक है, तो आज हमने भारतेंदु युग पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। ठीक है।